जिला सांबा के मुख्य चौक पर ट्रैफिक सिग्नल न होने के कारण लोगों के साथ कई हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोगों की प्रशासन से मांग है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहाँ जल्द से जल्द ट्रैफिक लाइट्स लगवाई जाए ताकि आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा ना हो। इसके बारे में पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बहुत बार इसकी रिक्वेस्ट की है और अवेयरनेस भी चलाई है कि सांबा का जो मुख्य चौक है वो एक बड़ा ही एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। गायब गाए आए दिन दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो उन एक्सीडेंट को कम करने के लिए एक तो पहले हमने एडमिनिस्ट्रेशन दरख्वास्त की थी तो उन्होंने उस चौक को 20 से बंद कर दिया। उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, लेकिन नए ज़माने के हिसाब से अगर नए सिस्टम के हिसाब से वहाँ अगर ट्रैफिक लाइट्स लगती हैं जिससे लोगों को रेड सिग्नल पर रुकना पड़े और जब ग्रीन सिग्नल आए जाना पड़े तो वो एक बड़ा ही अच्छा होगा और उससे जो हालात हैं वो बड़े अच्छे सुधरेंगे और आने वाली जो बेवजह जो मौतें होती हैं जो एक्सीडेंट होते हैं कई कीमती जानों से बचाई जा सकती है। देखिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे माननीय जो गवर्नर साहब हैं उनसे जो ट्रैफिक पुलिस है उनसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सांबा में कम से कम लोगों की कीमती जाने बचाने के लिए लोगों को असुविधा जो हो रही है उसको हटाने के लिए स्कूली बच्चों को जो असुविधा हो रही है उसको हटाने के लिए और लोगों की कीमती जाने बचाने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स का होना बहुत ही जरूरी है।